नाज़रीन, आप नाज़रीन आप देख देख रहे रहे हैं हैं हमारा हमारा चैनल चैनल इल्म इल्म की की बहार बहार और और मैं मैं हूं हूं आपका आपका होस्ट होस्ट अली। अली। नाज़रीन, नाज़रीन, रवायात रवायात में में मिलता मिलता है है कि कि एक एक शख्स शख्स इमाम इमाम अली अली अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम की की खिदमत खिदमत में में हाजिर हाजिर हुआ हुआ और और कहने कहने लगा, लगा, या या अमीर अमीर अल अल मोमिनीन, मोमिनीन, मेरा मेरा मैदा मैदा अक्सर अक्सर खराब खराब रहता रहता है है और और मैं मैं मैदे मैदे की की तकलीफ तकलीफ में में मुब्तला मुब्तला रहता रहता हूँ। हूँ। मुझे मुझे कोई कोई ऐसा ऐसा अमल अमल बताएं बताएं जिससे जिससे मेरे मेरे मैदे मैदे का का मसला मसला ठीक ठीक हो हो जाए। जाए। तब तब इमाम इमाम अली अली अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम उस उस शख्स शख्स से से मुखातिब मुखातिब हुए हुए और और फरमाया, फरमाया, तुम तुम गाय गाय का का दूध दूध पिया पिया करो, करो, क्योंकि क्योंकि गाय गाय का का दूध दूध दवा दवा है है और और गाय गाय का का दूध दूध पीने पीने से से मैदे मैदे की की खराबी खराबी दूर दूर हो हो जाती जाती है। है। नाजरीन, नाजरीन, एक एक और और मकाम मकाम पर पर रसूल रसूल अकरम अकरम का का फरमान फरमान है है कि कि ऐ ऐ लोगो, लोगो, गाय गाय का का दूध दूध पिया पिया करो, करो, क्योंकि क्योंकि गाय गाय हर हर तरह तरह का का घास घास खाती खाती है। है। इस इस वजह वजह से से उसके उसके दूध दूध में में हर हर बोटी बोटी की की खासियत खासियत मौजूद मौजूद होती होती है। है। नाजरीन, नाजरीन, इस इस वाक्य वाक्य से से हमें हमें सबक सबक मिलता मिलता है है कि कि जो जो लोग लोग मैदे मैदे की की तकलीफ तकलीफ का का शिकार शिकार हैं, हैं, उन्हें उन्हें चाहिए चाहिए कि कि गाय गाय का का दूध दूध पिया पिया करें, करें, क्योंकि क्योंकि गाय गाय का का दूध दूध पीने पीने से से मैदे मैदे की की खराबी खराबी दूर दूर हो हो जाती जाती है। है। नाजरीन, नाजरीन, अगर अगर आपको आपको हमारी हमारी वीडियो वीडियो पसंद पसंद आई आई हो हो तो तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना करना मत मत भूलिएगा। भूलिएगा। थैंक थैंक यू। यू।